अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप आज मैं आपको अपने दादों के हाथों का मेथी वाला करंची पराठा बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। हमें सबसे पहले पराठा बनाने के लिए 1 किलो मेथी की जरूरत पड़ेगी। मेरी प्यारी दादो, इस मेथी को बारीक बारीक करके काट रही हैं। और आप मेरी प्यारी दादो की तरह मेथी को बारीक बारीक काटेंगी तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज्यादा। अब मेरी दादो 1.5 किलो आटे में घी डाल रही हैं, 3-4 चम्मच। मेरा तो दिल कर रहा है ये पराठा मैं खुद बनाऊं। क्या करूं, मेरे हाथ तो इतने छोटे छोटे हैं, मैं क्या कर सकती हूं? मगर मैं एक दिन जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि कोशिश करने से ही बच्चे सीखते हैं। अब मेरी दादो आटे में 3-4 चम्मच अदरक डालेंगी। अदरक तो अदरक होती है, थोड़ी डालें या ज्यादा वो आपकी मर्जी। अगर आप इतनी अदरक डालें जितनी मेरी दादो डाल रही हैं। अब इसमें 3-4 चम्मच मिर्ची डालें। नमक अपनी मर्जी का डालिए, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा नमक ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, मगर हमें कम ही खाना चाहिए, वरना दादो कहती हैं कि गुर्दे खराब हो जाते हैं। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मेरी दादो इसमें मेथी डाल रही हैं। जब मेथी डल जाए तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, सिर्फ और सिर्फ मेरी दादो की तरह। और इसको थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लें। भाई दबे आटा गूंदना कितना मुश्किल लगता है, मगर दादो कहती है कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना देखने में लगता है। तो फिर कभी कोशिश करके देख ही लेंगे, मगर मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मगर मैं दादो की तरह तो बिल्कुल भी आटा नहीं गूंद सकती। चलो कोई बात नहीं, बड़े होकर तो बना ही लूंगी। वाओ, मेरी दादो तो इतने अच्छे तरीके से आटा गूंद रही हैं। One thing you have to remember, add some water, as per taste, mix well and start kneading a dough. Raise your hand like this. अब कोशिश करें, गूंदा हुआ आटा न ज्यादा पतला हो न ज्यादा गाढ़ा हो, बस आप मेरी दादो की तरह आटा गूंदते जाएं, गूंदते जाएं, गूंदते जाएं, बस आप गूंदते ही जाएं ना। अब मेरी दादो अपने प्यारे प्यारे हाथों से बेल रही हैं, मगर शर्त ये है, बेलना है तो सिर्फ मेरी दादो की तरह। अब मेरी दादो इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हैं। घी को अच्छी तरह डालें, मगर इतना ज्यादा भी ना डालें कि फिर पेड़ा ही ना बने। अब मेरी प्यारी दादो इसको फोल्ड कर रही हैं। वाओ, कितने मजे का लग रहा, अभी तक तो पका ही नहीं है, अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं कीड़े पास जावा, मैं मंदिर किथे जावा, मैं कीड़े पास जावा, मैं किथे मंदिर जावा। वाओ, मेरे दादो इतना खूबसूरत पेड़ा बना रही हैं, आपने भी ऐसे ही बनाना है। ओहो, मेरे दादो ने इतने जोर से पेड़ा नीचे मारा है, कहीं चोट की ना आ गई हो। अब मेरी दादो की तरह पेड़े को बेलते जाएं। मैं कॉल पर आता
खाने के लिए। अब इस पे थोड़ा थोड़ा आटा डालें और इसको रोल करते रहें, सिर्फ मेरी दादू की तरह, वरना आपका पराठा खराब हो जाएगा। और अगर खराब हो गया तो फिर आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे, हाय बेचारा मेरा पराठा। अब मेरी दादू तवे पे घी डाल रही है, आप भी थोड़ा थोड़ा इस तरह घी डालें। शुरू में ज्यादा घी नहीं डालते। अब आप तवे पे रोटी डाल दें। आप इसको थोड़ी देर पकने दें। मुझे तो ये पिज्जे की तरह लग रहा है, मगर क्या करें, इसमें चीज ही नहीं डलती, क्योंकि मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पिज्जा बनाना सिखा दूंगी। मेरी दादू बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हैं। बस आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबर का पर मीठा होता है। अब रोटी के साइज बदलते रहें और थोड़ा थोड़ा घी भी लगाते रहें। बस आपको ख्याल रखना है कि पराठा जल ना जाए। मुझे तो बहुत भूख लग गई है, मैं तो इसे दही के साथ खाऊंगी। आपका दिल करे तो आप मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, मगर मुझे तो सिर्फ दही के साथ अच्छा लगता है। देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है, वो पराठा बनने वाला है। मैं तो ये पूरा पराठा खाऊंगी, खा खा के मोटी हो जाऊंगी। वाओ माशाल्लाह, पराठा बन चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।